हाय एवरीवन, आप सबको फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगा कि आप से लोग दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पे जब आप से लोग एक्टिव रहते हो या दोस्तों आप से लोग अपने इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहते हो और किसी के पास आप सभी लोग मैसेज करते रहते हो, वहाँ पे अपने मैसेंजर से किसी के पास चैट करते हो, तो आपको दोस्तों दूसरे लोग के पास वहाँ पे दिखा देता है कि आप कब तक एक्टिव थे। आप दोस्तों 7 घंटा, 2 घंटा या फिर 5 मिनट, 2 मिनट वहाँ पे दिखा देता है कि आप कब तक ऑनलाइन थे और कितने बजे तक। तो वहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों को उसे किस प्रकार से छिपाना है, किस प्रकार से दूसरे लोगों को दिखाना है कि आप कब तक ऑनलाइन थे। दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे दोस्तों कि आप कब तक ऑनलाइन थे और कब तक आप से लोग अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे। और दोस्तों एक बात और आप सबको बता दूं कि वहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी के मैसेज को अगर पढ़ भी लेते हो, आप किसी के मैसेज को सीन कर लेते हो, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि आपने उसके मैसेज को कब देखा, वो लोग नहीं जान पाएंगे। इस वीडियो में सारा डाउट आप सबको क्लियर होने वाला है। दोस्तों आप से लोग वीडियो को ज़रा सा स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप से लोग हमारे चैनल पर नए हो और आप से लोग चाहते हो किसी प्रकार की नई नई जानकारी आप से तक सबसे पहले पहुंचे, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आप से लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट करके जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आगे अपने फोन की स्क्रीन पर, तो चलिए दोस्तों आप सबको दिखाते हैं कि यहाँ से आप सबको क्या करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप सबको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सबको यहाँ पे जो प्रोफाइल फोटो आपका जो होता है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पे जैसे ही आप से लोग क्लिक करोगे तो आपका इस प्रकार का आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सबको 3 डॉट जो यहाँ पे 3 लाइन आप सबको देखने को मिलता है दोस्तों, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप से लोग क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना दोस्तों। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है और यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि लिखा हुआ है मैसेज एंड स्टोरी प्राइस। तो दोस्तों आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाइज, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप सब क्लिक करोगे तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि लिखा है हु कैन सी यू आर ऑनलाइन। तो दोस्तों आप सबको क्या करना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो जो कि मेरा अभी इनेबल है। तो आप सबको इसी प्रकार से यहाँ पे होगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप सबको यहाँ से बैक हो जाना। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चलिए मैं दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे किस प्रकार से अभी दिखा रहा है कि आप कब तक एक्टिव थे, कब तक आपका लास्ट सीन था, अभी सारा चीज़ें यहाँ पे आप सबको दिखाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप से लोग जहाँ से अपने मैसेज करते हो दोस्तों, तो आपको सिंपली उसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे चलिए मैं अपना दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पे जो मैसेज करने वाला है इस पर सिंपली आप सबको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे किस प्रकार से जो कि लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि लिखा हुआ है सेंड 30 मिनट एगो, यहाँ पे देखिए एक्टिव 5 आवर एगो। तो यहाँ पे दोस्तों एक्टिव यस्टरडे, एक्टिव 30 मिनट एगो, यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कि दोस्तों आप सभी लोग 30 मिनट पहले ऑनलाइन थे, आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे। तो आप सबको किसी प्रकार से दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये सब नहीं दिखे, और अगर दोस्तों आप सभी लोग किसी के मैसेज को आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो और आप सभी लोग मैसेज को पढ़ लोगे तो वहाँ पे दिखाता है सीन। और क्या करना दोस्तों, उसके लिए आप सबको यहाँ से बैक हो जाना है। इसके लिए दोस्तों आपको बैक हो जाना है और यहाँ पे आप सबको क्या करना है, आप सबको अपने प्रोफाइल फोटो जो यहाँ पे होता है दोस्तों, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप सभी लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार जाकर देने, यहाँ पे आपको फिर से 3 डॉट पे करना है क्लिक दोस्तों। आप लोग इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको इस प्रकार का आएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे सिंपली सा क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग इस प्रकार का आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप सबको इसे इस प्रकार से डिसेबल करना है, इसे आप सबको इस प्रकार से बंद करना है, जो कि दोस्तों पहले से ऑन रहेगा, इसे आप सबको बंद करना है। इसके बाद चलिए मैं दोस्तों आप सबको दिखाता हूँ कि वहाँ पे दिखाता है कि नहीं कि आप सभी लोग कब तक एक्टिव थे और कब तक आप सभी लोग ऑनलाइन थे। यहाँ पे चलिए मैं दोस्तों आ गया अपने मैसेज वाले में और यहाँ पे चलिए मैं इसे रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ, इसके बाद आप सबको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसके बाद आप सबको दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे दिखाता है या नहीं। बस देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा किस प्रकार से यहाँ पे दिखाने लगा, जो कि पहले यहाँ पे टाइम बता रहा था कि आप सभी लोग कब तक ऑनलाइन थे, यहाँ पे लास्ट सीन भी बता रहा था, लेकिन दोस्तों अभी देख सकते हो यहाँ पे नहीं दिखाने लगा है। दोस्तों आप सभी लोग इसी प्रकार से कर सकते हो और आप सभी लोग अपने जो है ऑनलाइन आप सभी लोग कब तक एक्टिव थे वो सारा चीज़ बंद हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो बताएगा, और आप सभी लोग चाहते हो दोस्तों किसी प्रकार की नई नई जानकारी आप सब तक सबसे पहले
पहले पहुंचे। तो उसके लिए क्या करना दोस्तों कि आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट करके जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।